नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं, हम देश के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी तलाश में करते करते हम आप पहुँचे हैं कनॉट प्लेस में इंदु शेखर मिश्रा जी के पास, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वो लोकसभा लड़ने वाले थे अभी। और उनसे पूछेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की क्या की, और वो प्रमुख समाज सेवक भी हैं। इंदु शेखर शर्मा जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। जी जी जी, नमस्कार। आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की? मैं 2013 से किया है। जी 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 जी। और मैं संघ से जुड़ा हुआ था बाल अवस्था में, और मैं एक्चुअली जॉब करता था मल्टीनेशनल कंपनी में, और मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी मैं बंगाल में था। तो बंगाल की समस्या, बंगाल की जो सिचुएशन थी वहाँ के देखकर, तब मैं वहाँ से प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ के जो माहौल हैं, जो वहाँ की गुंडागर्दी या जो भी है तानाशाही चल रही है ममता जी की, उससे वहाँ की जनता को निजात दिलाना है। क्या बीजेपी के सक्रिय होने से बंगाल में कुछ फ़ायदा होगा, मतलब कुछ बदलाव आएगा? इस आने वाली विधानसभा में हमें पूरी उम्मीद है कि जनता पूरी सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ का तख्ता पलट जाएगा। जी जी। इस समय दिल्ली में चुनाव है, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव किस तरीके से हो रहा है और क्या चल रहा है चुनाव में? 10 दिन पहले की जो स्थिति थी यहाँ की दिल्ली की, और अभी की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन है। इसकी मुख्य रीज़न है कॉमनल हो गई यहाँ की बात। क्या है कि केजरीवाल पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, और वो देशद्रोही वाले के राजनीति कर रहे हैं। और हम अब मैं दिल्ली में होने वाले हैं, आप दिल्ली की जनता को और देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं से लेकर सब जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो देशद्रोही हैं आप उनके बहकावे में मत आएं। जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करती है, और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म ना होता है। और मैं जनता से ये आवेदन करूँगा कि राष्ट्र के लिए वोट करें और केजरीवाल के की सत्ता को ख़त्म करें। फ्यूचर में बंगाल की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? युवा कार्यकर्ता हैं तो बंगाल की जनता आपसे क्या उम्मीद करे फ्यूचर में? देखिए, बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी उम्मीद की हुई है, क्योंकि अब वहाँ की राजनीति है, क्योंकि उन्होंने CPM को भी देख चुके हैं और अभी TMC को देख रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में BJP उनको बहुत बड़े सहारा मिलने वाली है, और वहाँ के जो लीडरशिप है अभी क्वालिटी, और जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो जनता हम लोग पर पूर्ण विश्वास कर रही है। आने वाले समय में वहाँ परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाली है। आने वाले समय में बंगाल में परिवर्तन होगा, आपका ये कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को एक करना चाहती है, सभी धर्मों को साथ लेकर काम कर रही है, आपका ये कहना है? जी 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 जी, क्योंकि ममता जी के एक धर्म को उनके नज़र में एक ही धर्म है बंगाल में, और हिंदू के नज़र उनके नज़र में हिंदू की कोई मान्यता नहीं है। जी, बंगाल में और यहाँ खासकर दिल्ली में जो है बिल्कुल ही राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी हैं, लेकिन उनको ऐसा मोड़ दिया गया है कि वो हिंदुत्व को छोड़ के अलगाववादी में चले गए हैं। और जो कि आज हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको हमारे बाहर से भी सपोर्ट मिल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहे हैं, कुछ उग्रवादी टाइप के ये भी हैं जो कि उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो जो युवा हैं, युवा को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा हमारे लिए सबसे महत्व रखता है, युवा के प्रति वो सबसे ज़्यादा समर्पित है, तो आप भाजपा के लिए करो ना। और आज मैक्सिमम जो जनता है वो भाजपा के प्रति आकर्षित हो रही है। ये जो भी जुबानी जंग चल रही है, देश को तोड़ने की जंग चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो देश के विकास के लिए काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और देश हित में लोग वोट करेंगे और मोदी जी को जिताएंगे, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत लेके आएगी। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार राय हुआ। कि दिल्ली की माता भाइयों बहनों से कि सुबह सुबह आप लोग उठें, पहला काम जो है आप लोग बूथ पर आइए, और BJP को जो भी आपका जो लोकल कैंडिडेट है उनको आप भारी मतों से जिताएँ।